जिक्र किया कि रेड जोन के दाएं बाएं जो आबादी है वहां पर वो गुंजान आबाद आबादी नहीं है। जैसा कि मैं दोबारा डीकॉस का रिपीटेशन करूंगा कि जब मैं गुजरावाला के जलसे में जब मैं गया तो मैंने देखा कि पहले मैं पंडाल में गया और उसके बाद में स्टेज में गया। आप यकीन करें कि जो तमाम रोड्स उस स्टेडियम की तरफ जा रही थी वो आवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर था, कोई सड़क खाली नहीं थी और लोग जो है वो हजारों की तादाद में पैदल को यही पॉइंट जो है वो आपके सामने रखना चाह रहा था कि पैदल लोग जो है वो हजारों की तादाद में वहां पे जा रहे थे। लेकिन रेड जोन के दाएं बाएं कोई ऐसी आबादी नहीं है जहां से लोग आप कहें कि हजारों की तादाद में पैदल आ जाएंगे। हमें उन लोगों को ट्रांसपोर्ट भी देनी है, हमें उन लोगों को फैसिलिटेट भी करना है और वो इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से फैसिलिटेट करना है। अब उस फैसिलिटेशन में हमारे जो तकरीबन ये तमाम यूनियन काउंसिल्स के हमारे जो साथी हैं, आपने हमारे भाई पी राजन साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा है, हमारे जो मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के जो जिम्मेदारान हैं वो भी और हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं हर इवेंट में, यूनियन काउंसिल वाइज हम इंशाल्लाह ये अरेंज करेंगे और मतलब कर भी रहे हैं। और आज के दिन के बाद भी हमने आप ये कहें कि चैन से घर नहीं बैठ सकते, हर लम्हे हर घड़ी